सबसे पहले हम आज बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स का पेपर होता है, अगर अपन इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो इकोनॉमिक्स से ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आज तक तो कोई नहीं होता। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो बच्चों को एक प्रॉब्लम आती है कि सर इकोनॉमिक्स पूरा तो पढ़ लिया है बट जब एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, हम सब पे ध्यान देंगे बेटा। सबसे पहले मैं इकोनॉमिक्स को पढ़ने के पहले एक बता दूँ कि हाउ टू स्टडी नॉट इकोनॉमिक्स, हाउ टू स्टडी एनी ऑफ द सब्जेक्ट। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा बेटा, आजकल बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि फॉर अचीविंग एनीथिंग इन लाइफ यू नीड विल। विल मतलब क्या, मेरी इच्छा होनी चाहिए, अच्छे से पढ़ो, याद कर लो, पूरा कोर्स रिवाइज कर लो। लेकिन बेटा अकॉर्डिंग टू विल, विल मतलब किसी काम को करने की इच्छा, बहुत इच्छा शक्ति है, बहुत पसंद है, सब्जेक्ट समझ में आता है, एग्जाम्पल समझ में आते हैं, बट उसके बाद भी यू आर नॉट एबल टू स्कोर द नंबर। बिकॉज वन थिंग आई से, फॉर अचीविंग एनीथिंग इन लाइफ यू जस्ट नॉट नीड विल। किसी काम को करने की इच्छा बहुत जरूरी है किसी भी चीज को अचीव करने के लिए, बट अलॉन्ग विथ विल यू नीड स्किल। Until and unless your will is backed by skill, आप लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। ये मुझे बात मान लें, अगर मैं आपको बात बोलूं कि अगर मैं बोलूं कि मेरे को बॉक्सर बनने की इच्छा है, मैं कंटिन्यूस बॉक्सिंग के पैड पे मारते जा रहा हूँ, सुबह प्रैक्टिस कर रहा हूँ, शाम को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसके वीडियोज देख रहा हूँ, चीज़ देख रहा हूँ, बट आई वोंट बी अ गुड बॉक्सर until unless मुझे राइट पंच कहाँ पे कैसे किसको मारना है वो नहीं आता है, तो आई कुड नॉट बी अ गुड बॉक्सर। अगर मुझे बहुत अच्छा टीचर बनना है, मैं टीचर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे पढ़ रहा हूँ, लेकिन until unless मुझे वो स्किल नहीं आती जिससे बच्चों के दिमाग में वो चीज़ उतारी जाती है, तो आई वोंट बी अ गुड टीचर। अगर मैं बोलूँ, मैं बहुत सारे सीए वाले बच्चों को अप्रोच कर रहा हूँ, सीए वाले बच्चों से बात कर रहा हूँ, सीए वाले बच्चों की एक प्रॉब्लम होती है कि बहुत बार वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। मतलब इसकी बात कर रहे हैं कि सर हम पढ़ते तो बहुत है, पढ़ते हैं दिन रात पढ़ते हैं, 16 आवर्स का शेड्यूल होता है सीए वाले बच्चों का, बट स्टिल 16 घंटे पढ़ने के बाद एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, 28-30 साल तक आप सीए नहीं बन पाते। तो क्या इसका मतलब आपका सीए बनने की विल नहीं है? बेटा विल तो बहुत है, इसलिए दिन रात पढ़ रहे हो, जो और कोई नहीं पढ़ पाता। लोग 4 घंटे में हार मान जाते हैं, कोई सीए वाला स्टूडेंट 16 घंटे पढ़ रहा है तो उसकी बेटा विल तो है, बट ही लैक्स इन स्किल। विश्वास मानो, मेरा सिर्फ 7 घंटे का टाइम टेबल था सीए फाइनल में, और 7 घंटे के टाइम टेबल में मैंने सीए फाइनल क्रैक करी, बिकॉज आई नो द स्किल कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किसको कितना पढ़ना है। अंटिल एंड अनलेस योर विल is backed by the skill, you will not able to achieve anything in life. Until and unless your will is not backed by the skill, you will not able to achieve anything in life. बेटा बहुत बार तो एग्जाम में भी ब्लफ खेल लिया जाता था मेरे द्वारा, because I was somewhat good at presentation. Right now मुझे नहीं पता मैं कितना अच्छा प्रेजेंट कर पा रहा हूँ, मेरे को पता था कि एग्जामिनर को क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। तो सर आपकी हेडिंग्स बहुत क्लियर है, हेडिंग्स की पहले की 2-3 लाइन बहुत क्लियर है, तो क्या एग्जामिनर बहुत बार पूरा आंसर पड़ेगा? शायद हाँ शायद ना। लेकिन हाँ, अगर आपका प्रेजेंटेशन क्लियर है, आपकी सिंक्रोनाइजिंग क्लियर है, आपके चॉइस ऑफ क्वेश्चन जब एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे हो वो क्लियर है, कि पहले के 3 या 4 क्वेश्चन में आप एग्जामिनर पर साइकिक इफेक्ट करते हो, एग्जामिनर चेक करने वाला वो ऑलरेडी साइकिक होता है, आपके पहले के 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे गए हैं, बहुत सिस्टमेटिक गए हैं, बहुत प्यारे प्रेजेंटेशन के साथ गए हैं, इसका मतलब उसके दिमाग में फीलिंग आती है कॉपी अच्छे बच्चे की है, अच्छे नंबर आ सकते हैं। जहाँ कॉपी अच्छे बच्चे की अच्छे नंबर आ सकते हैं, मतलब ये बच्चे ने सब कुछ सही लिखा होगा, आपने पहले के 4-5 क्वेश्चन में उसको बता दिया बॉस आई एम दी बेस्ट, मेरी कॉपी के सारे आंसर ही होंगे, तो विश्वास मानो वो आपको आते आते सारे क्वेश्चन जो आपके थोड़े बहुत आंसर गलत भी होंगे उसमें भी आपको फुल मार्क्स देने की कोशिश करेगा, बिकॉज ही इज इम्प्रेस विद यू विद 4 or 5 फर्स्ट क्वेश्चन। ये एक बात बताई मैंने आपको। ऑन द कॉन्ट्री कुछ बच्चे पहले के 3-4 क्वेश्चन खराब कर देते हैं। अगर तुमने बेटा पहले के 3-4 क्वेश्चन खराब कर दिए, मतलब तुमने एग्जाम में नेगेटिव पर डाल दिया, भले आप कितने भी अच्छा पढ़ते हो, भले आपने स्कूल के टॉपर रहोगे, बट व्हेन आई गिव द बोर्ड्स और योर सी एग्जाम्स, when I'm giving the boards or your CA exams, he doesn't know you, he know your copy. Let your copy talk to the examiner, let your copy define you, let your writing define you, let your presentation define you. तो बेटा एक बात ध्यान रखना, अगेन इन अचीविंग एनीथिंग इन लाइफ, इट्स जस्ट नॉट द विल,
until and unless that will is backed by the skill. तो हमारा पहला पार्ट था कि एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करनी है, अब चैप्टर वाइज कैसे पढ़ना है, वी विल बी कंटिन्यूइंग. चलो बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर से. तो बेटा मैंने पहले ही बताया कि जब भी पढ़ना होता है तो आपको पढ़ने के साथ विल के साथ स्किल की भी जरूरत होती है बेटा, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क की भी जरूरत होती है. मैं स्मार्ट वर्क पे फोकस करूंगा. सिर्फ स्मार्ट वर्क का कभी ये मतलब नहीं होता शॉर्टकट, पर स्मार्ट वर्क मतलब क्या, जब आप चैप्टर स्टार्ट करो पढ़ो उसको डिटेल में पढ़ना है, कोई भी शॉर्टकट नहीं मारेंगे. लेकिन सबसे पहले चैप्टर की हमारे पास आउटलाइन तैयार होने की, चैप्टर में पढ़ना क्या है. अगर मैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में बताऊं तो बड़ा तुम्हारे पास पहली बात तो है कि पहला पार्ट अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसमें देखो. पहले व्हाई टू स्टडी इकोनॉमिक्स, व्हाई टू स्टडी इकोनॉमिक्स या व्हाट आर इकोनॉमिक प्रॉब्लम. मैं धीरे धीरे बताऊंगा बेटा कि बोर्ड्स में हर एक चीज का अपना अपना अलग अलग वेटेज है. तो अपना पहला पार्ट जो अपने को करना है व्हाई टू स्टडी इकोनॉमिक्स या व्हाट आर इकोनॉमिक प्रॉब्लम. सेकंड बेटा तेरे पास क्या है, माइक्रो एंड मैक्रो. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है. थर्ड अपने को पढ़ना बेटा व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. तुमको फोर्थ ये देखना है व्हाट आर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी. याद करो अभी अपन पढ़ने वाले हैं इसकी मैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये अपन देखने वाले हैं बेटा. फिर अगर मैं बात करूं उसके आगे क्या पढ़ना है चैप्टर में अपने को, पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. उसके बाद में पढ़ना है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होती है. एंड देन लास्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. जब आप कोई चैप्टर को लेके बैठ रहे हो चैप्टर की आउटलाइन आपको पता है कि चैप्टर के अंदर क्या क्या कंटेंट आता है तो दिमाग पहले से सेट हो गया मेरे को ये टॉपिक्स कवर करने हैं. जो आपको चैप्टर 20 से 30 पेज का लगता है, बहुत बार 40 पेज का होता है, वो एक्चुअली 3 पेज का चैप्टर होता है, बाकी सब तो रिपीटेशन होता है उसके अंदर. तो अगर हम पहले ही आउटलाइन तैयार कर लें कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है तो वी विल बी वेरी मच क्लियर कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है. दिस इज वेरी हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ रिविजन ऑफ योर एग्जाम्स ऑल्सो, कि जब रिविजन करोगे बेटा तो आपको मालूम पड़ना है चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है. तो अगेन आई कैन रिपीट वन थिंग, व्हाई टू स्टडी इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इज द फर्स्ट टॉपिक. वी विल बी कवरिंग माइक्रो एंड मैक्रो, वी विल बी कवरिंग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, व्हाट आर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, पीपीसी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड एमओसी. बेटा ये बातें हम लोग पढ़ने वाले हैं. सेकंड स्टार्ट करने के पहले बेटा ये बात जान लेनी चाहिए चैप्टर का वेटेज कितना है. अगर मैं पुराने सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से बताऊं तो पुराने बोर्ड के हिसाब से इस चैप्टर का वेटेज हुआ करता था 8 मार्क, बट क्योंकि अब इकोनॉमिक्स में प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं इसलिए चैप्टर का वेटेज कर दिया 4 मार्क. लेकिन 4 मार्क में भी ये चैप्टर कहीं से कहीं तक बुरा नहीं है, क्योंकि चैप्टर बेस ऑफ इकोनॉमिक्स. अगर एक बच्चा 12th में आया है तो उसको ये चैप्टर का पूरा बेस क्लियर होना चाहिए और बहुत ईजी चैप्टर है अगर अपन पढ़ेंगे. लेकिन हाँ बहुत सारी वैरायटी कवर कर रहा है ये चैप्टर. तो अपन स्टार्ट करते हैं सर इस 4 मार्क्स में से. पहले ही बता दूँ एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है. तो बेटा मैं आपको बता दूँ कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी इज अ फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर विच ही कैन आस्क इन योर 3 or 4 मार्क्स क्वेश्चन. पीपीसी इज अगेन अ फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर. अगर मैं तुमको बताऊँ तो Why to study economics again is a favorite question of an examiner. वो बहुत ज़्यादा types of economic पे question नहीं पूछता, वो बहुत ज़्यादा opportunity cost पे question नहीं पूछ सकता. Opportunity cost में एक number की definition जरूर पूछता है, What is the concept of opportunity cost? हाँ इसके अलावा जो main वो पूछता है, जो इस chapter का गढ़ वो है why to study economics, second central problems of economy and third PPC. सर आपने माइक्रो मैक्रो क्यों नहीं बोला? बेटा माइक्रो मैक्रो उसको पता है कि तुम्हारा कोर्स है तो हर के बच्चा माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन और चीजें जानता है. तो बेटा स्टार्ट करते हैं. मेरा पहला क्वेश्चन आता है व्हाई टू स्टडी इकोनॉमिक्स, क्यों पढ़े इकोनॉमिक्स, क्या इकोनॉमिक को पढ़ना जरूरी है एक, या व्हाई देयर आर एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाई देयर आर एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम. सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब पैसे की प्रॉब्लम. क्या पैसे की प्रॉब्लम सबको है? क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या मैं बच्चों से पूछ सकता हूँ क्या पैसे की प्रॉब्लम सबको है? तो माय आंसर इज हाँ बेटा सबको है पैसे की प्रॉब्लम. क्या सर अंबानी को भी पैसे की प्रॉब्लम है? हाँ बेटा अंबानी को भी पैसे की प्रॉब्लम है. अंबानी ने अगर मैं तेरे को बोलूँ अपने बेटे को मर्सिडीज लेके दी कॉलेज जाने के लिए, मर्सिडीज कि जा बेटा मर्सिडीज में जा बिल्कुल लेटेस्ट वाला मॉडल, तो भी वो दुखी है. हाँ ही इज डिप्रेस्ड फॉर 2 डेज. सर क्यों क्यों क्यों
वो दुखी है क्योंकि मित्तल का बेटा हेलीकॉप्टर से आता है। मित्तल का बेटा कैसे आता है? हेलीकॉप्टर से आता है, क्योंकि एक बात है, इतना पैसा कमाने के बाद भी अंबानी को और चाहिए, अंबानी के बेटे को और चाहिए, मित्तल के बेटे को और चाहिए, स्टीव जॉब्स को और चाहिए। बिकॉज नाउ आई एम स्टार्टिंग विद माई फर्स्ट टॉपिक, वाई देर आर एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बिकॉज वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। Wants are unlimited. बेटा wants कभी खत्म नहीं होती, wants are unlimited, but resources are limited. सर कहने का मतलब क्या, आप क्या समझाना चाहते हो? तो मैं तुमको थोड़ी सी खुद के बारे में बात करूंगा। बेटा आज से 12-15 साल पहले अपनी कोचिंग स्टार्ट करी थी मैंने, मेरी छोटी सी इच्छा थी कि हाँ भाई मेरी कोचिंग में भी कम से कम 15-20 बच्चों की बैचेस बने, मैं एक साथ बच्चों को 20-21 बच्चों को बैठ के पढ़ाऊँ और कहते हैं लेक्चर से पढ़ाऊँ, बोर्ड पे पढ़ाऊँ। मैं कैसे उसमें पढ़ा था कि 20-21 बच्चों की बैच होनी चाहिए, थोड़ा बहुत रेवेन्यू आना चाहिए अच्छा खासा। दिया भगवान ने 20 बच्चों की बैच दी, 25 बच्चों की बैच दी, बहुत खुश, अलग अलग बैचेस दी अच्छी अच्छी अभी क्या खुश नहीं यार, 20 बच्चे। फिर मेरी इच्छा हुई यार 20 बच्चे तो कोई बोल देता है, कम से कम 100-100 बच्चों की बैच होनी चाहिए, 100-200 बच्चों की बैच होनी चाहिए, अलग अलग ब्रांचेस होनी चाहिए इंदौर में, अलग अलग शहरों में। दी भगवान ने दी, तीन ब्रांचेस दी 100-100, 150-150 बच्चों की बैचेस दी, 200 बच्चों की बैचेस दी, अभी खुश नहीं यार, 100-200 बच्चे इतने से। अब मेरी ज्यादा वॉन्ट्स क्या है? मेरी वॉन्ट ज्यादा कुछ नहीं, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि अपनी एक बैच में 1000-2000 बच्चे बैठे, 2000 का पूरा हॉल हो, मैं बच्चों को पढ़ाऊँ। वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्स आर लिमिटेड, ये मेरी पढ़ाने की इच्छा है। ज़्यादा नहीं, कोई ईयरली फीस नहीं, कोई मंथली फीस नहीं, डेली बच्चे 1000 रुपये फीस दें, रोज आए, रोज सुने और रोज 1000 रुपये फीस दें। ज़्यादा नहीं हो, 12-15 आइलैंड हो अपने नाम के, 50-60 बंगले हों और 15-20 गर्लफ्रेंड्स हो, बस इतना चाहता हूँ मैं। और कुछ ज़्यादा तो मैं नहीं चाह सकता इतने भगवान से। भगवान ने दिया, मेरा और भोलेनाथ का अच्छा रिश्ता है, भगवान देता है, जो भी मांगता भगवान देता है, बस थोड़ा मेहनत करनी पड़ती, भगवान देता है। दिया भी खुश नहीं यार, 1000-2000 बच्चे, 1,25,000 बच्चे होने चाहिए, पूरा ग्राउंड स्टेडियम बुक होना चाहिए, इस सर्कल आने चाहिए, सब बच्चों को बेटा वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, पूरा ग्राउंड पे बच्चे आने चाहिए, पूरा मैं सेंटर में खड़ा हूँ, स्क्रीन्स लगी हुई है, मैं पढ़ा रहा हूँ। ज़्यादा नहीं सब 12-15 आइलैंड यार, 50-60 आइलैंड तो अपने नाम के होने चाहिए, 50-60 घर नहीं यार, आई डोंट वॉन्ट टू लिव इन रेंट, मैं जिस सिटी में जाऊँ वहाँ पे अपना एक घर होना चाहिए। अगर इंडिया में 328 सिटीज हैं तो 328 बंगले तो होने चाहिए, मेरे को रेंट पर रहना पसंद नहीं, जहाँ जाऊँ अपना वहाँ पे एक घर होना चाहिए। 15-20 गर्लफ्रेंड, महीने में दिन भी 30 होते हैं यार बेटा, 30-31 होते हैं, तो कम से कम 30 तो हो, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, तो 30 गर्लफ्रेंड से कम तो अपने को नहीं चल पाएगी, वो भी अलग अलग नेशंस की होनी चाहिए, स्पाइस होना चाहिए उसमें, वो तभी तो मजा आता है। वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। अब भगवान ने मैं पूछता, अगर ये सब भी दे दिया खुश नहीं यार, 1,25,000 बच्चे, पढ़ाओ सिर्फ इंडिया में रहो ना, पढ़ाओ सिर्फ इंडिया में रहो, इंटरनेशनल फैकल्टी होना चाहिए, पूरे एक साथ पूरे वर्ल्ड वाइड मेरा इकोनॉमिक्स का लेक्चर बिल्कुल टेलीकास्ट हो, बच्चे ऑनलाइन उसे डाउट पूछे, मजा आए। 1,25,000 बच्चे में अपन खुश नहीं, कम से कम 2-3 करोड़ बच्चे एक साथ पढ़ने चाहिए। भगवान ने एक बार मुझसे पूछ लिया, हितेश तेरे को चाहिए क्या, चाहिए क्या, पूरी अर्थ तेरे नाम पे कर दो, पूरी अर्थ जा, क्योंकि तू ऐसे मान तो नहीं रहा, तू इतने करोड़ों कर मारा है, तेरे को इतनी गर्लफ्रेंड दे दी, ये सब दे दिया, पूरी अर्थ तेरे नाम पे कर दो, पूरी अर्थ, अर्थ का हवा भी तेरी, पानी भी तेरा, सब कुछ तेरा, पहाड़ भी तेरे, सब कुछ तेरा। अगर मैं किसी को बोलूं सांस ले, मैंने मत ले, रुक तू बेटा, तू सांस मत ले, अगर मैं ऐसा कर दूं भगवान अब खुश, पूरी अर्थ मेरी, नहीं यार, सूरज भी अपने बाप का होना चाहिए, चांद भी अपनी माँ का होना चाहिए, तब आके तो मजा आएगा। तो सर आप बताना क्या चाह रहे हो बेटा? मैं तो सिर्फ इतनी सी बात बताना चाह रहा हूँ बेटा कि अगर पूरी अर्थ भी आपके हाथ में आ जाए, आप इतना पैसा भी कमा, पैसा नहीं कोई भी चीज, आप कोई भी चीज कितनी भी अचीव कर लो, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, अगर हम पैसे पे हैं तो वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, उनको सेटिस्फाई करने के रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। तभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ऑफ स्कैसिटी, प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, स्कैसिटी। अगर मैं बताऊं तो स्कैसिटी रिफर्स टू अ सिचुएशन, स्कैसिटी रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज ग्रेटर देन सप्लाई फॉर रिसोर्सेज। जब भी किसी चीज की डिमांड क्या है ज्यादा और सप्लाई क्या है कम, तो उस चीज की स्कैसिटी है, स्कैसिटी मतलब कमी होना, और जब भी किसी चीज की कमी होती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, वो चीज महंगी हो जाती है। पानी की डिमांड क्या है ज्यादा, सप्लाई क्या है कम, तो पानी की क्या है स्कैसिटी, पानी के भाव बढ़ रहे हैं। पेट्रोल की डिमांड क्या है ज्यादा, पेट्रोल सप्लाई क्या है कम, तो पेट्रोल क्या है स्कैसिटी, तो क्या पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं। हाँ, अरे लाइफ में देख लो, गर्ल्स की डिमांड क्या रहती है ज्यादा,
उनका सप्लाई क्या रहता है, कम। तो गर्ल्स की क्या होती है, स्कैसिटी, इसलिए लड़कियों के भाव बढ़े हुए थे। देखा ना, इसके भाव बढ़े हुए हैं, इसके ऐसे गए क्योंकि इनकी जिस भी लड़की की डिमांड क्या होगी, बहुत ज्यादा कि अच्छी 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 है, और सप्लाई क्या होगा, कम। तो उसकी क्या होगी, स्कैसिटी। और जिस भी चीज की स्कैसिटी होती है उसके भाव बढ़े हुए रहते हैं। आप चलते फिरते बचपन से बोलते आ रहे हो बेटा इसके भाव बढ़े हुए हैं, इसके भाव बढ़े हुए, मतलब उसकी चीज क्या है, स्कैसिटी। तो अगेन आई रिपीट, स्कैसिटी रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर डिमांड फॉर रिसोर्सेज, डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज ग्रेटर देन सप्लाई फॉर रिसोर्सेज। बेटा यहीं से तीसरी चीज होती है, चॉइस। चॉइस इज द आउटकम ऑफ स्कैसिटी। बोर्ड्स, सीबीएसई बोर्ड ने पूछा क्वेश्चन कि स्कैसिटी एंड चॉइस ऑलवेज गोज टुगेदर, स्कैसिटी एंड चॉइस गोज टुगेदर। अगर मैं तुमको बताऊं, यहां चॉइस इज द आउटकम ऑफ, चॉइस इज द आउटकम आउटकम ऑफ स्कैसिटी। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो सीबीएसई बोर्ड्स में पूछा जाता है, क्यों क्यों क्यों। तो हम बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है। अगर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के बारे में बताऊं तो चूज करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है। अपन किसी एग्जाम्पल, लेट्स एग्जाम्पल, अपन किसी होटल में जाते हैं। हाँ सर, आप अगर किसी होटल में जाते हैं आपको चूज करते हैं, चूज। हाँ आप बताएं क्या चूज करते हो, चूज क्यों करते हो, चूज क्यों करते हो, चूज क्यों करते हो, जो अच्छा लगता है वो चूज करते हो, वो खाते हो ना। अच्छा क्या खाते हो, क्या खाते हो, क्या पनीर टिक्का, पनीर टिक्के क्यों, पनीर टिक्का ही क्यों चूज करते हो, पनीर टिक्के क्यों, क्यों क्यों, अच्छा लगता है। नहीं, आप होटल में जाके पनीर टिक्का इसीलिए चूज नहीं करते कि वो आपको अच्छा लगता है। आपको अच्छा तो होटल में दीदी हर चीज लगती नहीं होगी, बट आपके पास पैसे क्या होते हैं, लिमिटेड। ऐसा नहीं कि एक चीज चलती है, शादी में आते हो चूज करते हो कि हर स्टॉल खाते हो ना तीन तीन बार, तो शादी में तो चूज क्यों नहीं करते हो, कि शादी में तुम्हारी वॉन्ट्स भी क्या होती है, अनलिमिटेड, और रिसोर्सेज भी क्या होते हैं, अनलिमिटेड। जब आप होटल में जाते हो तो आप चूज करते हो, चूज इसलिए करते हो बेटा कि होटल में दी हुई हर चीज मेनू की देखो अच्छी लगती है। अगर होटल वाला बोलते फ्री है सर तो सब चीजें मंगवाए दो दो बार, लेकिन एक बात पता चाहिए, जिम में पैसा क्या होता है, लिमिटेड। तो बड़ा चॉइस इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि हमारी वॉन्ट्स तो क्या रहती है, अनलिमिटेड, लेकिन रिसोर्स क्या होते हैं, लिमिटेड। जब कोई ड्रेस लेने आते हो, हाँ मैम, कुछ गर्ल्स कभी कुछ ड्रेस लेने आते हो, कोई टॉप वॉप लेने आते हो, कुछ लेने हो, तो कोई पर्टिकुलर टॉप अच्छा लगता है कि ये लें या वो लें, चूज करते हो ना कि इसकी डिजाइन अच्छी है, चूज क्यों करते हो, चूज क्यों करते हो, क्या वो पर्टिकुलर टॉप तुमको अच्छा लगता है, नहीं बेटा। टॉप तो तुमको सारे अच्छे लगते हैं बेटा, कोई दिलाने वाला तो हो या वो दुकानदार फ्री में दे रहा हो, टॉप तो तुमको सारे अच्छे लगते हैं, बट टॉप को खरीदने का जो पैसा होता है वो तुम्हारे जेब में क्या होता है, लिमिटेड। इसलिए तुम दो या तीन टॉप चूज करते हो, दो या तीन टॉप चूज करते हो, तो आपको चूज इसलिए करना पड़ता है कि दुकानदार की दुकान में सारे टॉप तुमको पसंद है, बट तुम्हारी वॉन्ट्स क्या है, अनलिमिटेड, लेकिन जेब में पैसा क्या है, लिमिटेड। तो एक बात करना, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इसलिए आती है, हमको चूज इसलिए नहीं करना पड़ता कि हमको ये पसंद है ये नहीं पसंद है, चूज हमको इसलिए करना पड़ता है, हमको पसंद तो सब है क्योंकि हमारी वॉन्ट्स क्या है, अनलिमिटेड, हमारी वॉन्ट्स क्या है, अनलिमिटेड, बट रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड, रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड। तो इसीलिए प्रॉब्लम चॉइस होती है। मैं एक बात और कहूंगा, हम शादी करते हैं, शादी करते समय किसी को चूज करना पड़ता है, चूज किसी एक लड़की को चूज करना, मुझे भी चूज करना पड़ा, चूज करना पड़ता है एक किसी को, क्या दिल से बोलो एक पसंद आती है, अरे पसंद तो हर आती है, किसी की आंखें अच्छी हैं, किसी का दिमाग अच्छा है, किसी का फिगर अच्छा है, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, वॉन्ट्स आर, एक पसंद आती है नहीं, पसंद तो बड़ा बहुत सारी आती है, लेकिन रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। एक को ही पाल सकते हैं इसलिए अपन एक से ही शादी करते हैं, बिकॉज वी कैन अफोर्ड ओनली वन। अगर विश्वास नहीं है तो मैं बता दूं, कृष्ण भगवान की 16,000 रानियां थी, सो 16,000 रानियां थी, उनकी 16,000 रानियां थी, तो उन्होंने 16,000 शादियां कैसे कर ली, बिकॉज भगवान थे, उनकी वॉन्ट्स क्या थी, अनलिमिटेड, और उनके रिसोर्सेज भी क्या है, अनलिमिटेड। हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है, भगवान के पास तो क्या था, वॉन्ट्स भी थी अनलिमिटेड, और रिसोर्स भी कहते हैं अनलिमिटेड। बोलो कोई डाउट तो नहीं आता बेटा। मैं अब यहां तक पहले फिर से रिवाइज कर रहा हूं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा, Why to study economics? तो पहली बात तो, या why there are any economic problem? तो wants are unlimited, resources are limited, and they have been put to alternative uses. बेटा अगर मेरे पास, मेरे पापा ने मुझे पॉकेट मनी दी है 10,000 रुपए, तो क्या मेरे को प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, हाँ। क्या मेरे को प्रॉब्लम ऑफ स्कैसिटी है, हाँ बेटा, क्योंकि मेरे को इस 10,000 रुपए को कहाँ कहाँ खर्च करना है। ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब होता है, इस 10,000 से मेरे को कोचिंग की फीस भी भरनी है, मेरे को मेरे लिए किताब बुक्स भी खरीदनी है,
मेरे को पेट्रोल भी भरवाना है, मेरे को मेरे लिए ड्रेसेस भी लेनी है, मेरे को थोड़ा बहुत पार्टी वार्टी भी करनी है, अगर मेरे को ये सब करना है तो ये मेरे 10,000 रुपये के क्या है ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो एक बात ध्यान रखना, आई रिपीट, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, resources are limited, they have been put to alternative uses. ठीक है, तो ये अपने economics, तो इससे economics की definition बनती है. economics, मैं बोल रहा हूँ साथ में बोलेंगे, economics is a science, economics is a science of human, economics is a science of human behavior confronted with the problem of choice and scarcity, with the problem of choice and scarcity as wants are unlimited, resources are limited and they have been put to alternative uses to provide maximum satisfaction to consumer, maximum production to producer and maximum welfare to society as a whole. Economics is a science of human behavior confronted with what? Problem of choice and scarcity. As kyun hai ye problem? Wants are unlimited and resources are limited. क्या चाहिए इकोनॉमिक से? कंज्यूमर को चाहिए सेटिस्फेक्शन, टू प्रोवाइड मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर, मैक्सिमम प्रॉफिट टू प्रोड्यूसर एंड मैक्सिमम वेलफेयर टू सोसाइटी एज अ होल. आई होप आई एम वेरी मच क्लियर. स्कैसिटी रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज ग्रेटर देन सप्लाई फॉर रिसोर्सेज. सर चॉइस क्यों बन गया? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस रिफर्स टू प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज to satisfy unlimited wants. Problem of choice refers to problem of allocation of limited resources to satisfy unlimited wants. ठीक है, अब अपन बात करें opportunity cost की. बेटा एक नया कंसेप्ट होता है opportunity. opportunity cost क्या होता? बेटा opportunity cost is a cost of a factor, is a cost of a factor in its next best alternative use. अगर मैं ढंग से समझाऊं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हर किसी की होती है, किस प्रकार से होती है. एग्जाम्पल अगर बात करूं वो रुद्राक्ष. अब रुद्राक्ष को उसके पापा ने पैसे दिए 5,00,000 रुपए बिजनेस करने के लिए. पापा से लिए इसने पैसे 5,00,000 रुपए, सब पापा बिजनेस करूंगा. इसने जूते का बिजनेस खोला, जूते का, इसको हर जगह जूते बहुत पड़ते, तो इसने जूते का बिजनेस खोला. अब ये जूते का बिजनेस खोला, साल भर में बिजनेस की शक्ल देखिए प्रॉफिट कमाएगा तो नहीं, साल भर में इसने पापा को 5,00,000 के 5.5 लाख करके दिए, 50,000 का प्रॉफिट कमा के दिया इन द वेरी फर्स्ट ईयर. क्या इसके पापा खुश होंगे? 5,00,000 के 5.5 लाख करके आया, खुश दिए तो चाटे खींच के उनके. बोले बेटा अगर ये 5,00,000 रुपये मैं तेरे बिजनेस में नहीं डालता तो शायद मैं बैंक में डालता और बैंक से ही मुझे 50,000-60,000 रुपये का ब्याज मिल जाता. तूने क्या कमा के दिया? तूने तो कुछ कमा के नहीं दिया, तू कहीं और जॉब कर लेता. तो क्या वो 5,00,000 रुपये की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी? हाँ बेटा, वो 5,00,000 रुपये, अगर 5,00,000 रुपये अगर वो बिजनेस में नहीं जाते तो कहाँ जाते? अगर वो बिजनेस में नहीं जाते तो बेटा शायद वो बैंक में जाते और उस बैंक से क्या मिल जाता? इंटरेस्ट. तो क्या इंटरेस्ट उस पैसे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी? हाँ. इसने पापा से सॉरी वॉरी बोला, बोला पापा को फिर से 5,00,000 रुपए दो. तो उसके पापा ने इसको फिर से 5,00,000 रुपए दिए. बेटा 5,00,000 रुपए दिए वापस से इसके बिजनेस के लिए. किसके लिए? इसके बिजनेस के लिए. पिछली बार तो इसने 5.5 लाख रुपए करके दिए थे. पापा ने मारा था इसको, जूते याद ही आपको कायक में, पापा ने बोला बैंक. अगले साल पापा ने इसको फिर 5,00,000 रुपए दिए और इस बार भाई ने अच्छा 5,00,000 के 6.5 लाख करके दिए पापा को. अच्छा बिजनेस, जूते का बिजनेस था, अच्छा लग गया. खुशी खुशी पापा क्या, पापा इस बार 6.5 लाख करके दिए तो चाटे इसको है कि भाई. सर क्यों? पापा ने बोला कि मैं तेरे बिजनेस में नहीं डालता तो बेटा शायद ये नहीं शेयर मार्केट में डाल देता और शेयर मार्केट में 5,00,000 के मैं 8 लाख कर लेता. तो क्या अगेन इस पैसे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? हाँ बेटा, अगर 5,00,000 रुपये वो बिजनेस में नहीं डालते तो शायद वो बैंक में डालते, अगर बैंक में नहीं डालते तो शायद शेयर मार्केट में डालते, या वो किसी प्रॉपर्टी मार्केट में डाल देते, या वो उसका गोल्ड खरीद लेते, या उसका कुछ और बिजनेस कर लेते. तो ये सब उस 5,00,000 रुपये की क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. समझाना चाह रहा हूँ, द बेस्ट यूज होता है वो ऊपर आता है और उसके बाद ऑल्टरनेटिव यूजेस नीचे आते हैं. मैं एग्जांपल दूं, अगर मैं अभी तुम लोगों को नहीं पढ़ाता होता तो क्या मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? बेटा मेरे हर मिनट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. अगर मैं अभी क्लास 12th को नहीं पढ़ाता होता तो शायद मैं 11th को पढ़ाता, शायद मैं कॉलेज में पढ़ाता होता, शायद मैं किसी और इंस्टीट्यूट पढ़ाता होता. अगर मैं पढ़ाता ही नहीं होता तो बेटा मैं सीए की प्रैक्टिस करता रहता, उसमें कमाता. अगर मैं सीए की प्रैक्टिस नहीं करता तो मेरा खुद का बिजनेस है, मैं उस बिजनेस में कमाता. तो क्या मेरे हर मिनट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? हाँ बेटा, आपके भी हर मिनट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. अगर आप अपना टाइम यहाँ नहीं देते तो कहीं और देते और कहीं और से कुछ कमाते. आप लोग अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काफ़ी वेस्ट करते हो. मैं कभी वेस्ट नहीं करता फ्रॉम माई कॉलेज डेज. तुम लोग करते क्या हो? जिस समय तुम अपने साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो, फिर रहे हो, गप्पे मार रहे हो, क्या उस टाइम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? हाँ. अगर तो 2 घंटे तक अपने फ्रेंड से
फालतू की बकवास कर रहा है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। खोल गूगल, गूगल पे कोई बिजनेस साइट खोल, उस बिजनेस साइट से क्या तू पैसे कमा सकता है? हाँ, उस दो घंटे में हो सकता है तो 2,000 रुपये कमा सकता है, शायद महीने के 60,000 रुपये कमा सकता है, शायद साल के 8,00,000 रुपये का पैकेज कमा सकता है। एक चीज और बोलूंगा, अगर मैं देखो बोलूं तो लैंड, मेरे पास एक लैंड पड़ी है, उसमें मैं वीट उगा सकता हूँ। क्या सर वीट उगा सकते हैं? नहीं, पहला यूज है वीट, वीट से जितना डरना है। क्या मैं उस पर राइस भी उगा सकता हूँ? हाँ। क्या मैं उस पर कोचिंग भी डाल सकता हूँ? हाँ। क्या मैं वहाँ पे होटल भी बना सकता हूँ? हाँ। क्या मैं अपनी इंडस्ट्री भी खोल सकता हूँ? हाँ। तो बेटा क्या उस चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? हाँ। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ कॉस्ट ऑफ अ फैक्टर एंड इट्स नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज। अगर अपन बात करें तो बेटा इस पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में एग्जाम्पल ये क्वेश्चन ये आता है कि मिस्टर एक्स, अगर मैं पहला एग्जाम्पल हूँ तो मिस्टर एक्स ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, अगर हम बात करें तो थोड़ा सा एग्जाम का क्वेश्चन लें कि मिस्टर एक्स जॉब कर रहे हैं एट अ सैलरी ऑफ 20,000, वो अपनी जॉब को छोड़ के एक बिजनेस डालना चाहते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट है बेटा अप्रॉक्स अपन मान लें 10 लाख की। अब वो बिजनेस डालना चाहते हैं और वो बिजनेस पे सोच रहे हैं कि वो बिजनेस उनको कितना प्रॉफिट अर्न करके देगा, इसलिए वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एवेल्यूशन कर रहे हैं। तो मिस्टर एक्स मेरे पास आए थे, सर आप बताओ कि बिजनेस डालूं तो मिनिमम कितना कमाना चाहिए? मैंने बोला देखो सर एक बात बहुत सिंपल सी बात बोलूं तो, अगर आप बिजनेस डाल रहे हो तो पहली तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई आपकी सैलरी, वो सैलरी जाएगी, सैलरी कितनी जाएगी? 20,000। उन्होंने बोला हाँ ये सही बात तो सही है। मेरा दूसरी बात है आप 10,00,000 रुपये डाल रहे हो तो 10,00,000 पे आपको क्या लगेगा? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन लो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लो? खुद का पैसा लगाओगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, लोन लेके लोगे तो इंटरेस्ट ऑन लोन लगेगा। तो मैंने बोला पर मंथ का लोन अप्रॉक्स अगर अपन 10 या 12% से माने तो मैंने आपको 10,000 रुपये का तो क्या लगेगा? लोन लगेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन लगेगा। तो मैंने बोला बिजनेस अगर आप कन्फॉर्मिटी है कि आपको ये 30,000 रुपये से ऊपर कमा के दे रहा है, अगर ये 30,000 रुपये से ऊपर बिजनेस कमा के दे रहा है तो आप बिल्कुल बिजनेस करें, कोई चिंता की बात नहीं है। आपके बिजनेस डालने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 30,000। एक और आपकी बुक्स में क्वेश्चन दिया जाता है कि एक एनसीसी का कैंप है, एक एनसीसी का कैंप है, मिस्टर वाई वॉन्ट्स टू गो टू दैट एनसीसी कैंप, वो एनसीसी कैंप पे जाना चाहते हैं। एनसीसी कैंप का बताया गया है कि ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस एनसीसी कैंप के लगेंगे 2,000, वहाँ पे फूड एंड अकोमोडेशन लगेगा 3,000, और मिस्टर एक्स को, मिस्टर वाई को 7 दिन की अपने ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी, इससे उनकी सैलरी कटेगी 5,000। अब एनसीसी कैंप की कॉस्ट क्या पड़ी, एनसीसी कैंप की कॉस्ट क्या पड़ी? अगर बच्चे बहुत बार यहाँ आप लोग सोचते हैं एनसीसी कैंप जा रहे हैं, कोई फैकल्टी सोच ले मुझे सर कि ठीक है यार कैंप में तो जा रहा हूँ, 2,000 रुपये की ट्रैवलिंग है और 3,000 रुपये का फूड एंड अकोमोडेशन है, तो 5,000 में तो मेरा पूरा पैकेज आ रहा है, बढ़िया है, तो मैं क्यों ना जाऊँ? बेटा 5,000 का तो ये पैकेज आ रहा है, लेकिन वो 7 दिन जब तू अपना ऑफिस छोड़ेगा तो उसके देखो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। मतलब एनसीसी कैंप आपको 5 का नहीं पड़ रहा, एनसीसी कैंप की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके पास 10,000 है। सर क्यों? और मुझ जैसे इंसान की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। रीजन भी अगर मैं तुमको थोड़ा सा भी प्रैक्टिकल बताऊं, मैं कहीं घूमने नहीं जा, बहुत कम घूमने आता हूं, बहुत कम घूमने जा पाता हूं। रीजन भी लोग मुझे बोलते सर कंजूस हो, मैं नहीं बेटा कंजूस नहीं हूँ, भगवान के पास ये पैसा है, बट प्रॉब्लम की बात है अगर मैं एक दिन भी ना पढ़ाऊँ वन डे, तो अगर मैं बोलूँ मेरे वन डे के अंदर ही मैं 10,000 रुपये कमाता हूँ और मैं 4 दिन के हॉलीडे या 7 दिन के हॉलीडे चला गया तो 70,000 रुपये तो मेरी कमाई चली जाएगी। हॉलीडे के खर्च से मुझे खर्च प्रॉब्लम नहीं आती, मुझे इस बात की प्रॉब्लम आती है जिस समय मैं मेरी कोचिंग पे नहीं रहूंगा, जिस समय मैं मेरे इंस्टीट्यूट पे नहीं रहूंगा तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्या उतने समय मैं उतने बच्चों को नहीं पढ़ा पाऊंगा? अगर मैं उतने बच्चों को नहीं पढ़ा पाऊंगा तो 70,000 रुपये तो मैं यूं लॉस कर दूंगा। तो सर क्या हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है? यस, मैं एक्चुअली वेरी फ्रेंड, अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे कॉलेज में बहुत कम बात करता, फ्रेंड से बहुत कम बात करता, लेकिन जब फ्रेंड्स कम टू नो कि हाँ हितेश सर है, हितेश से पढ़ाते हैं सब कुछ है, तो तू हमसे तो कुछ बात ही नहीं करता, बिल्कुल चुपचाप से रहता है, तो मैं बोलने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मैं तुम्हारे सामने क्यों बोलूँ? तुम मेरे को बोलने में पैसे देते हो क्या? नहीं, मेरे स्टूडेंट मेरे बोलने में मेरे को पैसे देते हैं, तो उसकी क्या होती है अपॉर्चुनिटी? मैं मेरे घर में बहुत कम बोलता हूँ, घर में बिल्कुल चुप रहता हूँ, घर की पार्टी में मैं क्यों बोलूँ कि आपको कुछ मिल रहा है क्या? नहीं, उस समय मैं कहीं और का सोचता रहता हूँ, उस समय मैं तुम्हारे लिए प्लानिंग करता रहता हूँ। दिस इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो बेटा एक बार फिर से अपन यहाँ तक रिवाइज करेंगे, अगर अपन ढंग से बात करें वाई टू स्टडी इकोनॉमिक्स, तो पहली बात है वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दे हैव बीन पुट टू
alternative uses. Sir, इसी से क्या आती है scarcity? Scarcity refers to demand for resources is greater than what? Supply for resources. Choice, problem of choice refers to the allocation of limited resources to satisfy unlimited wants. Opportunity cost refers to a cost of a factor in its next best alternative use. इसी से बेटा एक नई चीज समझना चाहूंगा. एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो सर क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स या क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स? तो विल स्टार्ट विद डेफिनेशन. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स, इकोनॉमिक वेरिएबल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट अ लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल. माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स, इकोनॉमिक वेरिएबल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट अ लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल. बट अगर मैं बात करूँ पेट्रोल के भाव बढ़ने, इससे इसको क्या फर्क पड़ा, शाम को क्या फर्क पड़ा? अगर पेट्रोल के भाव पड़ने से इसको क्या फर्क पड़ा, ये आजकल साइकिल से आता है. ये क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स. अगर मैं तो बोलूँ पेट्रोल के भाव बढ़ने से पूरे देश को क्या फर्क पड़ा, वो क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स. अगर मैं बात करूँ आलू के भाव बढ़ गए, ये राज आलू के भाव बढ़ गए, राज की शक्ल बिल्कुल छोटी सी हो गई, सर आलू कैसे खाऊंगा, आलू का फर्क राज को क्या पड़ा? माइक्रो इकोनॉमिक्स. आलू के भाव बढ़ने से पूरे देश में क्या फर्क पड़ा? माइक्रो इकोनॉमिक्स. इसके अकेले 11th क्लास के पढ़ने से मिल सकते हैं 72, इसके क्या परसेंटेज थे? माइक्रो. पूरी क्लास का क्या एग्रीगेट था? मैक्रो. तो अपन माइक्रो और मैक्रो के बारे में बात करें तो बेटा माइक्रो हर चीज को इंडिविजुअल के लेवल पर समझता है और मैक्रो उसी चीज को ग्रुप लेवल पर समझता है, एग्रीगेट लेवल पर समझता है, एट अ लेवल ऑफ इकोनॉमी समझता है. तो अगर मैं बोलना चाहूँ तो बोलूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स, इकोनॉमिक वेरिएबल, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट अ लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिक वेरिएबल एट अ एग्रीगेट लेवल, एट अ एग्रीगेट लेवल और एट अ लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल. आई होप आई एम वेरी मच क्लियर. जब आप माइक्रो पढ़ते हैं तो आप मैक्रो को कॉन्स्टेंट मानते हैं. माइक्रो स्टडी अज्यूम्स मैक्रो कॉन्स्टेंट एंड मैक्रो स्टडी अज्यूम्स माइक्रो कॉन्स्टेंट. इसके बाद बेटा हम लोग माइक्रो मैक्रो के और भी चीजें पढ़ेंगे. माइक्रो इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल डिमांड की बात करती है. मैक्रो जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट या बजट की बात करता है. आई कैन रिपीट, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक वेरिएबल एट अ लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिक वेरिएबल एट एन एग्रीगेट लेवल और एट अ लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल.